छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रायपुर के धरसीवा विधानसभा के इस सारा गांव की जनसभा में सीएम ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा ठगरा लबरा कांग्रेस को हराना है, लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं देनी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर गलत फहमी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी लोगों को संविधान और आरक्षण खत्म होने का डर दिखा रही है, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की 3 महीने की सरकार में साए साए काम हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से निशाना साधा गया है कांग्रेस पर और सीधे कहा कि संविधान खत्म होने का जो डर है वो फैला रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से हमारी सरकार बनी है साए साए काम हुआ है। ये ठगरा लबरा कांग्रेसिया मल्ला एकदम से सबक सिखाना है। विधानसभा के चुनाव में जैसे सबक सिखा है ना, उसने लोकसभा में एक भी सीट मल्ला देना नहीं है कि देना है। एक ठन निदान, हाँ पूरा 11 कर 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है ना। आज मन कोई बात नहीं है जनता के सामने में जाके कहे लायक, तो खाली गलत फहमी पैदा करत है। तो राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद संतोष पांडे ने भूपेश बघेल पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बघेल आज सनातन की बात कर रहे हैं, यही बोलते थे धर्म कर्म की बात बीजेपी वाले जाने, इन्हीं की पार्टी के केरल के नेता गोवध कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी सार्वजनिक किया गया था, और यही नेता राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं। बंगाल में कांग्रेस नेता गोमांस का सार्वजनिक भोज करा रहे हैं। इस मुद्दे पर बघेल कुछ क्यों नहीं बोलते। भूपेश बघेल सनातन की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ी में बोल रहे थे, उनका ये वर्डिंग जो है ये धर्म कर्म ला कुछ नहीं जाना है भारतीय जनता पार्टी वाले बन। मैं तो पूछना चाहता हूँ भाई कि ये जन है ये केरल के ओखर जन नेता है, एक बारे में भूपेश बघेल कुछ बोल ही थोड़ा बताव। और एक चित्र और है, कांग्रेसी नेता पश्चिम बंगाल के विकास रंजन भट्टाचार्य जो गौ मांस का सार्वजनिक भोज करा रहे हैं। सूरजपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नाथूराम गोडसे के रास्ते पर चलती है। बीजेपी की सरकार ने 10 साल में नोटबंदी और जीएसटी लाने का काम किया, कांग्रेस की सरकार आते ही जीएसटी और महंगाई खत्म हो जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा साय सरकार ने पौआ का दाम भी बढ़ा दिया। साथ ही उन्होंने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पर हमला बोलते हुए कहा राजवाड़े केवल घूम रही है, उनको तो चपरासी भी नहीं सुनता। नाथूराम गोडसे के रास्ता में चलता है तो इसमें सरकार रेट बढ़ा दिया पौवा का भी, तो घर में झगड़ा। भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगा जीएसटी हटाएगा। इसलिए मैं बोल के जा रहा हूं, महीना दिन के अंदर तो कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया और कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। इन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप दर्ज हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से गाली गलौज करने का आरोप है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई और अब इस मामले में FIR दर्ज की गई है। तो वही
वहीं जांजगीर चांपा में कांग्रेस को झटका लगा है। जिला पंचायत अध्यक्ष यनिता यशवंत चंद्रा ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बीजेपी नेता नितिन नवीन और संभाग प्रभारी अनुराग सिंहदेव के सामने बीजेपी ज्वाइन की है। साथ ही कई कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी नेता अनुराग सिंहदेव ने कहा कि जांजगीर में बीजेपी का एक और विस्तार हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उनकी टीम बीजेपी में शामिल हुई है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों पर जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में दोनों दल जहां एक तरफ जनसभा के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ फॉर्म भरवाने की राजनीति भी चल रही है। बीजेपी जहां आयुष्मान योजना के फॉर्म भरवा रही है तो वहीं कांग्रेस लक्ष्मी महालक्ष्मी योजना का फॉर्म लोगों से भरवा रही है। दोनों दलों का फोकस महिलाओं पर है। कांग्रेस जहां नारी न्याय गारंटी के फॉर्म के जरिए महिलाओं तक पहुंचने में जुटी है। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह से फॉर्म भरवाना आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग की एडवाइजरी पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने पहले विधानसभा में महतारी बंधन के फॉर्म भराए थे, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने का पैसा मिला नहीं और गरीबों के नाम से वोट मांगकर, गरीब महिलाओं के नाम से वोट मांगकर, सभी महिलाओं के नाम से वोट मांगकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महिलाओं को अमीर और गरीब की खाई में बांट दिया और बहुत आधे से ज़्यादा हमारे महिला बहनों को इन्होंने लाभ से वंचित कर दिया। तो किस मुंह से वो महतारी वंदन सम्मेलन आयोजित कर रही है? मतलब सीधा सीधा साफ है कि महिलाओं की नाराजगी स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में और इसका फायदा कांग्रेस को होते दिख रहा है। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी के नेता धरमलाल कौशिक ने कहा कि 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर हमारे कार्यकर्ता अलर्ट हैं। कांग्रेस आखिरी दिन की तैयारी में जुटी है लेकिन चुनाव के दिन हम कुछ भी बांटने नहीं देंगे, हमारे कार्यकर्ता अलर्ट रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है, बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। कि उनका कहीं प्रचार उचार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, आखिरी दिन की वो तैयारी कर रहे हैं और आखिरी दिन के तैयारी में कांग्रेस के लोग जुटे हुए हैं, लेकिन इसको हम लोग विफल करेंगे, उनको बांटने नहीं देंगे, हमारे कार्यकर्ता अलर्ट रहेगा। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 पूरी तरह से हटी नहीं है, बीजेपी देश में भ्रम फैला रही है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक झूठ बोल रहे हैं। वहीं आलोक शर्मा ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार 325 सीटें जीत रही है। देश की जनता को कागज ला के दिखाएंगे, धारा 370 इस कागज के माध्यम से हमने हटा दिए। आपने 2 परिवर्तन जरूर किए हैं, उस तरह के परिवर्तन पहले भी 35-36 हुए हैं। झूठ बोलना बंद करें, धारा 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है और वो बीजेपी के लोग केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन 325 से ज़्यादा सीटें जीतेगा, सरकार हमारी बनेगी और भाजपा गठबंधन 150 के पार नहीं जा पाएगा। 11 में से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। रायपुर में विधायक अनुज शर्मा ने विदेशी प्रतिनिधियों के सामने लोक गीत गाया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी की चुनावी रणनीति को समझने के लिए रूस, नेपाल, बांग्लादेश के प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ पहुंचे। माते रही बेगा कैसे माते रही बेरे अलबेला मो गठिया गांजा ला पी के माते रही बे ते हमाते रही बेरे अलबेला मो गठिया गांजा ला पी के माते रही बे।
तो आप सुन रहे थे जहां पर जो लोकगीत है वो गाकर सुनाए जा रहे हैं विदेशी प्रतिनिधियों के सामने, और चुनाव को समझने के लिए जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हैं, और इस बीच उनके स्वागत के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और विधायक ने यहां पर लोकगीत गाया। चिरमिरी में सीएम साय ने कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस नेताओं के दौरे से बीजेपी को लाभ मिल रहा है, प्रियंका राहुल गांधी के दौरे से हमें फायदा हो रहा है, राहुल कहीं से लड़े हमें 400 पार करना है, कांग्रेस पूरे देश में खो चुकी है अब अपना विश्वास, कांग्रेस के वादे पर जनता भरोसा नहीं करेगी। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया। 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में पुलिस ने 26 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से 26 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़े सभी आरोपी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जो महादेव सट्टा ऐप के जरिए आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे थे। शराब घोटाले में जेल में बंद अनवर ढेबर को रायपुर के विशेष अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। कोरबा में 12वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। छात्र ने पेपर खराब होने पर रिजल्ट आने से पहले ही जहर खाकर जान दी। जहर खाने के बाद छात्र ने अपने पिता को फोन भी किया था और बताया कि उसका दो विषय का पेपर खराब हो गया था, जिसकी वजह से उसने जहर खा लिया। पूरा मामला करतला थाने के फतेहगंज का बताया जा रहा है। अब ये छात्र नहीं रहा, छात्र ने जहर खा ली, खुदकुशी की है, छात्र की मौत हो गई है। 12वीं का यह छात्र बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर में पदस्थ सीएमओ के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का आरोप कांग्रेस पार्षद पूरन चंद्र जायसवाल और उसके बेटे करण जायसवाल पर लगा है। सीएमओ राजेश कुशवाहा ने दोनों के खिलाफ राजपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि राजपुर के वार्ड नंबर 4 में गली का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका निरीक्षण करने सीएमओ राजेश कुशवाहा और इंजीनियर मुकेश दुबे पहुंचे। इसी दौरान सीएमओ के साथ मारपीट की गई, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने नगर पंचायत कार्यालय पर ताला जड़ दिया और कार्रवाई होने तक सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी है। गुप्ता और प्रवीण अग्रवाल जी बोल रहे थे कि जो है यहाँ विवाद हो रहा है सीएमओ साहब, और आइए आप, ये पूरन जायसवाल जो है यहाँ मलवा ला करके हमारे दरवाजे में फेंक दिया है। उसी को फिर जो है गए हम, मैं और इंजीनियर साहब गए, मुकेश दुबे जी, और गए वहाँ पर कुछ बातचीत समझा इस कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तक उधर से जो है पूरन जायसवाल, विभू जायसवाल स्कूटी में लेके आए, और पूरन जायसवाल जैसे उतरे हैं मार पीट स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें जो हो रहा है 294, 506, 323, 186, 332 और 353, 34 आईपीसी के तहत कार्रवाई किया जा रहा है।